हम लोग पहुंच चुके हैं जबलपुर। ये जबलपुर के स्टेशन का बाहर का नजारा है। हाँ, ये ऑटो स्टैंड है। हम लोग ऑटो में बैठ चुके हैं। ये ऑटो है उतरे गए। तो भाई साहब ये देख रहे हो कहाँ से जंप कर रहे ऑटो को भैया। आते आते भाई एडवेंचर शुरू हो गया हम लोगों का। हमारे गुल्लू महाराज आगे बैठ चुके हैं। हम लोग बैठ गए पीछे। छपरी साला मेरे बगल में बैठे तो क्या करे, जगह तो ये हमारे पंखा महाराज। और जबलपुर आपका स्वागत है गाइस। देखा खंडर, अभी वो सिनेमा हॉल है। ये एक्टर प्रेमनाथ है उनका है, लेकिन अभी ये खंडर बन चुका है भाई। सो गाइस ट्रेन से उतरे, ऑटो में गए, ऑटो उतरे, अब बैठेंगे हम बस में। तो यहाँ से हमारा जो जर्नी है ना वो है मंडला तक के लिए। मंडला हाँ भैया, तो बस खाली है, सामान रखते हैं बस में और बैठते हैं सीट पर। तो ये जर्नी रहेगी अभी 3 घंटे की। और ये जो जर्नी है ना इसमें काफ़ी अच्छे सीनिक व्यू भी आते हैं, तो बने रहिए वीडियो के साथ, आपको सीनिक व्यू देखने को मिलेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन ये मंडला तक पहुंचने का जो वीडियो है ना मैं एक ही वीडियो में ख़त्म करना चाहता हूँ। आपके सामने है सरप्राइज, ये है देखिए पहाड़ सामने। आज लगता है बाजार का दिन है, इसमें कुछ ज़्यादा ही भीड़ है भाई। अभी ये बस जो है ना एक शहर से गुजर रही है, पता नहीं कौन सा शहर है, लेकिन इसको देख कर मुझे अपनी होम टाउन की याद आ गई। वहाँ भी ऐसा ही एक मंदिर है और ऐसे जो बाज़ार है ना मार्केट वहाँ भी लगता है। मुझे पता नहीं शहर का नाम, अगर कोई दिखता है कोई ATM या बैंक दिखता है ना तो वहाँ पर नाम दिखेगा उसका। कौन सर? बरेला। तो सामने जो भाई साहब बैठे हैं वो कह रहे हैं बरेला शहर है। भाई मेरा जो होम टाउन है जहाँ मेरे मम्मी पापा रहते हैं ना वो भी ऐसा ही है। मध्य प्रदेश में मैं जहाँ जहाँ ये बस से जा रहा हूँ ना सब मुझे मेरे होम टाउन जैसा क्यों लग रहा समझ में नहीं आ रहा है। ये बाहर देखो, ये भी वैसे ही लग रहा है भाई। इसको देख के रखो आप, कभी अपने होम टाउन ले जाऊँगा ना तो वहाँ घुमाऊँगा मार्केट वहाँ पर। आप मिला लेना इस वीडियो को और उस वीडियो को, बिल्कुल सिम से वैसे ही लग रहा है। घर की याद आ गई यार, ये लोकेशन देख कर। कोई नहीं, घर भी चलेंगे, काम खराब कर लो पहले। ऐसा है ना, थकावट से नींद भी आ रही है, सोने का मन नहीं कर रहा क्योंकि बाहर का नज़ारा इतना अच्छा है। और बाहर हम देख रहे हैं कुछ खाने पीने की दुकान दी गई, तो भूख लग जा रहा है। और भूख लग जा रही है तो फिर नींद भी नहीं आ रहा है। बोले देखिए एक सर्किल में सोने का मन नहीं कर रहा, बाहर का नज़ारा देखने का मन कर रहा है, बाहर देख रहे हैं तो खाने पीने की चीज़ दिख रही है और वो दिख रहा है तो भूख लग जा रहा है, भूख लगा तो नींद नहीं आ रहा है। चेंज हो गया, करें तो क्या करें, जो इसके लिए तो वही मेरे लगता ब्लैक चेन बन गया भाई। सो गाइस बहुत ही मिनटों के बाद, बहुत देर के बाद हमारे सामने आया है हमारा खाना। ये है मसाला डोसा, चटनी सांभर कुछ भी नहीं है, सिर्फ डोसा। गाइस मसाला डोसा है लेकिन इसको खा रहे हम लोग सैंडविच तरह।
कैसे खा रहा है? ये खा रहा है, लग रहा है बर्गर खा रहा है। मसाला डोसा का ना हो गया, समझ लो क्या हो गया। सत्यनाश सत्यनाश हो गया, सत्यनाश सत्यनाश हो गया। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं मंडला, और मंडला के होटल में आ चुके हैं। ये है होटल का कॉरिडोर और सामने हमारा कमरा है। इसलिए आपको कमरे का नंबर 106। तो चलिए आपको कमरे का टूर देते हैं। अभी रूम में चल रहा है फोटोशूट, कमरे का फोटोशूट। तो हम रूम में आ चुके हैं गाइस, और ये हमारा कमरा है आज। तो ये हमारा है कमरा, बेड वेड सब मस्त लगा हुआ है। हम लोग चार लोग हैं, दो लोग यहाँ सो जाएंगे और दो लोगों के लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा बेड लगा दिया जाएगा। सोफा वगैरह भी सब कुछ है रूम में, तो मस्त फ्रेश हो लेते हैं और कुछ खाते हुए। बहुत ही भूख लग रही है, चाय ऑर्डर कर दिया है, तो चाय आ जाए, चाय पीते हैं और फिर फ्रेश होके कुछ खाते हैं। ब्लॉक कर रहे हैं बकचोदा।